कराची में दो दिन से सर्द हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस आज भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। आज वीकेंड भी और ऐसे मौसम में शहरियों और बच्चों ने सुबह सवेरे ही पार्कों का रुख कर लिया, जहां बच्चों ने ठंडे मौसम में फुटबॉल खेलकर दिन का आगाज किया। बात करेंगे फयाज बुखारी, मौजूद है। फयाज, बताइएगा किस तरह से शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हल्की हल्की सी रोशनी निकल रही है, ठंड जो है वो ज़्यादा है, बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो कि वीकेंड्स पर पार्क का रुख करते हैं, खेलने के लिए आए हैं, फुटबॉल खेल रहे थे, हमने इन्हें रोक लिया। हम उनसे चल के बात करते हैं कि यहाँ पर आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? वीकेंड्स में ही आते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग वीकेंड्स पर ही आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं, हम सारे आते हैं। सही सही, आप लोग क्या आपस में सारे कज़न्स हो, दोस्त हो? कज़न से हम, और ये मतलब यहाँ पर आना बहुत अच्छी बात है और इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। सही सही। अच्छा, हमारे साथ बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि दूसरों को क्या मैसेज दोगे, पॉजिटिव साइन है ये? जी, ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, लोगों को खेलना चाहिए और इसे खेल के इनको अच्छा भी लगेगा खेल के। जी बिल्कुल, यही कहना है सारे बच्चों का कि हेल्दी एक्टिविटी है वीकेंड्स पे, सुबह में जो है वो पार्क का रुख कर सकते हैं, शाम में भी जो है वो हेल्दी एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तालीम और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो सब तो चलता ही रहता है, लेकिन दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। जी।